बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, कुल 16 चैप्टर हैं आपके कक्षा 11 की गणित में। ये पांचवा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, अब बहुत ही की कायदे से ध्यान दे करके सुनते जाना। ये आप सबसे पहले इसमें देख लो क्या होता है अधिकल्पित संख्याएं, अधिकल्पित संख्याएं जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या इसको काल्पनिक संख्याएं भी बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है, नेगेटिव, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नेगेटिव, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है उन्हें हम बोलते हैं अधिकल्पी या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। द नंबर द स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर इज निगेटिव, देन इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, निगेटिव, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज निगेटिव, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो अधिकल्पी या काल्पनिक अधिकल्पित संख्याएं कहलाती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कब रूट में कोई चीज माइनस वन आ जाए, रूट में, तो जब वर्ग करोगे तो रूट हटेगा तो माइनस में ही रहेगा, तो वो संख्याएं क्या हुई, अधिकल्पित। जैसे एक्स स्क्वायर अब प्लस वन जैसे ले लिए, ये कितना हुआ, ये जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। द स्क्वायर ऑफ नंबर, एक्स इज एनी नंबर, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नेगेटिव, देन इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो ये एक्स इक्वल टू कितना आया, एक्स इक्वल टू ये रूट माइनस वन, इसी को बोलते हैं रूट माइनस वन को ही हम आई बोलते हैं। आई क्या है, ये इसको अयोटा बोलते हैं, अयोटा, आई ओ टी ए, अयोटा। ये जिसके साथ लगा रहेगा वो आई का मतलब रूट माइनस वन समझ लीजिए, जिसके साथ रहेगा वो आपका इमेजिनरी नंबर ये है। तो अधिकल्पित संख्याएं हो गई। अब आएगा आपका सम्मिश्र संख्या, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक और अधिकल्पित से मिलकर बनी संख्याएं ये कहलाती हैं सम्मिश्र संख्या। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होगा, वास्तविक संख्या प्लस अधिकल्पित संख्या, ये अधिकल्पित, रियल और इमेजिनरी मिला करके ये हो। इसे जेड से यदि हम रिप्रेजेंट किए तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स, ये एक्स जो है वो रियल पार्ट है, आई वाई ये इसके साथ आई लग गया, ये रूट माइनस वन, वो हो गया आपका इमेजिनरी। तो क्या होती है, अधिकल्पित संख्याएं या काल्पनिक, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो उन्हें हम अधिकल्पित संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आई की घात, वही जिसको अयोटा बता रहे थे, ये रूट माइनस वन के इक्वल रहता था, इसी की देखेंगे हम लोग घात, आई की घात। आई की घात देखिए क्या, ये इसमें ये पावर ऑफ आई ये क्या होगा आपका, आई ये होता है रूट ऑफ माइनस। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी
आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। आई क्यूब कितना होगा, आई क्यूब को हम लोग पावर वाले से आई वन इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आई वन इंटू माइनस वन, तो ये माइनस आई, आई क्यूब माइनस आई आ गया। आई का पावर फोर ये कितने के इक्वल हुआ, आई का पावर फोर को लिख सकते हैं आई स्क्वायर ये माइनस वन ये इक्वल टू वन। आई का पावर फाइव की बात आती है तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर फोर इंटू आई का पावर वन, आई के पावर फोर की वैल्यू वन आई और ये आई वन, तो ये आई आ गया। अब आई के पावर सिक्स की बात हो रही है, आई का पावर फोर इंटू आई स्क्वायर, तो ये वन आएगा आई का पावर फोर और ये माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। आई का पावर सेवन की बात आती है तो आई का पावर फोर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये वन माइनस वन और ये आई मिला के माइनस आई। आई का पावर एट इसका मतलब आई का पावर फोर इंटू आई का पावर फोर, ये वन इंटू वन मतलब वन। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, ये आई का पावर फोर भी वन होगा, आई का पावर ये एट भी वन होगा। इससे हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि आई का पावर फोर यम यदि ये आ जाए, आई का पावर फोर ये यम, तो आई का पावर फोर यम ये कितने के इक्वल हो जाएगा, आई का पावर फोर यम इक्वल टू वन। यम कोई भी यम इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर नहीं करते, एम इज एनी इंटीजर जहाँ यम कोई पूर्णांक है, तो ये आई की पावर हो गई। अब कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, कह रहा है कि निम्न सममित संख्याओं में प्रत्येक को ए प्लस आई बी के रूप में रखिए। अच्छा आप देखिए, ये पहले वाले में फाइव फाइव माइनस थ्री बाई फाइव फाइव, ये फाइव ये फाइव कट जाएगा, ये माइनस थ्री और उसके बाद ये आई स्क्वायर, आई स्क्वायर के की जगह माइनस वन रख लोगे, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन इक्वल टू थ्री, तो ए प्लस आई बी के रूप में थ्री प्लस आई इंटू जीरो, थ्री रियल पार्ट आई इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब ये सेकेंड है आई का पावर नाइन, आई के पावर नाइन को देखो क्या लिखोगे, आई का पावर फोर इंटू टू फोर यम हो गया, चार दूरी आठ एक नौ एट प्लस वन, अब प्लस आई ये फोर इंटू फोर और प्लस ये थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आई का पावर फोर फोर इंटू टू इंटू आई का पावर वन, अब प्लस आई का पावर फोर इंटू आई क्यू, तो ये आई का पावर फोर यम ये वन हो जाएगा, वन इंटू आई अब प्लस ये भी आई का पावर फोर इंटू फोर वन, चार का कोई भी गुणांक हो मल्टीपल हो फोर का तो ये वन, ये आई क्यूब आया, आई क्यूब का मान कितना होता है माइनस आई, ये माइनस आई, तो ये आई प्लस माइनस आई ये आ गया जीरो, तो ए प्लस आई बी के रूप में जीरो प्लस आई इंटू जीरो ये आ जाएगा। ये जो आई माइनस वन बाई थर्टी नाइन होता है, माइनस पावर की जगह वन बाई आई का पावर थर्टी नाइन, थर्टी नाइन का मतलब यदि हम चार का गुणा देखें तो ये फोर इंटू नाइन थर्टी सिक्स प्लस थ्री, तो नीचे ये इनके क्या आ जाएगा, आई का पावर फोर यम ये वन, आई का क्यूब आएगा, आई का क्यूब आता है माइनस आई, जब माइनस आई आएगा ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, आई अपान माइनस आई स्क्वायर, आई अपान माइनस माइनस वन ये आई है,
तो इसका मतलब ये जीरो प्लस आई। यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ की बात हो रही है, 3 × 7 ये 21 प्लस 21 आई, प्लस ये 7 आई, प्लस 7 आई स्क्वायर, तो ये 21 हो गया, 21 और 7 ये 28 आई, प्लस 7 आई स्क्वायर माइनस माना जाएगा, तो 21 में से 7 जाएगा 14, प्लस 28 आई, ये 1 माइनस आई, माइनस माइनस प्लस और प्लस 1 और ये माइनस 6 आई, तो ये कितना आ गया, ये 2 माइनस आई माइनस 6 ये 7 आई। इस तरह से अजकल्पित संख्याओं में ये होता है कि यदि जोड़ की क्रिया हो या घटाने की, तो वास्तविक भागों को अलग जोड़ते या घटाते हैं और अधिकल्पित भागों को अलग जोड़ेंगे या घटाएंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज पर आप ध्यान